कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2022 के अंदर अपनी हैट्रिक लगाना जरूर चाहेगी, क्योंकि यहां दोस्तों पहला टाइटल उन्होंने साल 2012 के अंदर जीता था, जो कि उनका कप्तान दिल्ली से आए थे गौतम गंभीर, और अभी भी जो उनके कप्तान हैं वो भी यहां दिल्ली से आए हैं। तो खैर दोस्तों, ये एक टीम गेम है, ज़रूरी नहीं है कि यहां कप्तान अच्छा खेले तो टीम भी अच्छा खेले। अगर दोस्तों अच्छा खेलने की बात करें तो यहाँ सबसे अगर अच्छा टारगेट टीम केकेआर देगी तो टीम केकेआर के गेंदबाज सक्षम है कि टारगेट रोक ले, बट कौन देगा टारगेट? टारगेट देंगे बल्लेबाज। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक स्पेशल वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं टीम केकेआर के टॉप 5 ऐसे बल्लेबाजों की जो यहाँ दोस्तों काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे। तो कौन से हैं ये बल्लेबाज टॉप 5 बताऊँगा, प्लेइंग 11 वाले होंगे, बाहर होंगे, कौन से होंगे, देखना वीडियो को बिल्कुल भी लास्ट तक। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2022 के सीजन को लेकर बहुत ज्यादा यहां पर हाइक के अंदर है, बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे कारण उनके कप्तान श्रेयस अय्यर है। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है नए कप्तान श्रेयस अय्यर से, वो तो यंग भी है और भारतीय भी है, देखते हैं क्या धमाका करते हैं। खैर दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको टॉप 5 खिलाड़ी बताने वाले हैं, टॉप 5 यहाँ पर बल्लेबाज बताने वाले हैं, प्लेइंग 11 में से होने वाले हैं आज के ये बल्लेबाज। और खैर जो आईपीएल है वो काफी नजदीक आ गया है, तो उससे पहले अगर आपको कोई स्पेशल वीडियोस देखनी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि आप कौन सी स्पेशल वीडियो हमारे साथ देखना चाहोगे अपनी फेवरेट टीम और फेवरेट टॉपिक से रिलेटेड। साथ ही साथ नीचे सोशल हैंडल्स भी दिए गए हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह फॉलो कर लो, काफी अपडेट्स हम वहां देते रहते हैं सबसे पहले, लिंक काम ना करके उसको सर्च कर लेना। खैर टॉप 5 बल्लेबाजों की अगर बात करें तो पहले बल्लेबाज का नाम है आंद्रे रसल। तो ये तो कोई हो ही नहीं सकता कि केकेआर की बात हो और आंद्रे रसल का नाम ना आए। दोस्तों इस बार उन्होंने खुद ये बता दिया है कि वो परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। रिसेंटली उन्होंने हेटर्स को यहाँ पर रिप्लाई करते हुए कहा था कि मैं इनको कुछ भी नहीं कहूँगा, इस साल मैं परफॉर्म करूँगा, इनका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। साथ ही साथ जो टीम केकेआर की फिटनेस देखते हैं, उन्होंने ये भी हिंट दिए थे आंद्रे रसल की फिटनेस इस बार चिंता का विषय नहीं होगी। तो आंद्रे रसल मसल फॉर्म दिखा पाते हैं ये तो हमें 26 मार्च से जो मैचेस स्टार्ट होंगे उसमें ही पता चलेगा। आप कमेंट करके जरूर बताओ आंद्रे रसल तूफान लाएंगे या फिर खुद आंधी की तरह उड़ जाएंगे। अगले जो प्लेयर का नाम है वो है श्रेयस अय्यर। तो नो डाउट दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के बने थे श्रेयस अय्यर और बहुत अच्छे फॉर्म के अंदर है, वही फॉर्म इनका नेट सेशन के अंदर भी अभी देखने को मिला। तो श्रेयस अय्यर दोस्तों एज अ कैप्टन तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हमें कर चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स के, अगर आपने इनकी कप्तानी देखी हो तो, बट एज अ बैट्समैन इनको इंप्रेस करना अभी बाकी है क्योंकि इनकी जर्सी नहीं है। कमेंट करके नीचे बता दो श्रेयस अय्यर क्या इस बार ऑरेंज कैप के दावेदार हैं। अगले प्लेयर का नाम है वेंकटेश अय्यर। तो दोस्तों इतनी तेज तो ट्रेन भी नहीं चलती है जितनी तेज इनकी किस्मत चली है। दोस्तों यहाँ कुछ ही मैच खेले थे आईपीएल के, फिर आगे टीम इंडिया में, तो ये भी दोस्तों प्लेयर्स फॉर वॉचआउट फॉर होने वाले हैं। तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो क्या ऑरेंज कैप के दावेदार ये भी बन सकते हैं। अगले प्लेयर का नाम है सैम बिलिंग्स। तो सैम बिलिंग्स दोस्तों नो डाउट एलेक्स हेल्स के बाहर होने से सैम बिलिंग्स ऑलमोस्ट सारे मुकाबले खेलेंगे। अब ये बात अलग है कि इनका अगर फॉर्म ना चला तो ये बाहर बैठेंगे, अगर ये चलते हैं तो दोस्तों आप जानते हो क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाज ये हैं। लास्ट बल्लेबाज का नाम है अजिंक्य रहाणे। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी लोग इस बात से सहमत हो भी सकते हैं, इस बात से सहमत नहीं भी हो सकते हैं। अजिंक्य रहाणे एक्सपीरियंस का खजाना है, ये दोस्तों T20 के अंदर टाइमिंग से यहाँ पर काफ़ी अच्छे रन बना लेते हैं, बट कुछ सालों से इनको ना मौके मिले हैं ना दोस्तों जो मौके इनको दिए गए हैं उसके अंदर ये अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए हैं। बट दोस्तों केकेआर ने इनके ऊपर भरोसा जताया है, अब भरोसा जताया है तो कुछ ना कुछ बात तो इनमें देखी होगी तभी केकेआर इनको टीम में लाया है। तो ये है हमारी टॉप 5 बल्लेबाजों की चॉइस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।